देख लीजिए ढिल्लन होटल, कितना साफ रखे हूँ दोस्त, बड़ा बड़े ओझा हूँ दोस्त। CS2 का पार्किंग है। CSVTU, अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपने एक न एक बार ये नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे भिलाई में स्थित हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, जो कि पहले संचालित होता था पार्क एवेन्यू सेक्टर 8 से, अब वह संचालित हो रहा है एक दूसरे ही लोकेशन से। आज का यह वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद बस यही है कि जो CSVTU के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो अब तक नए CSVTU के लोकेशन को नहीं देख पाए हैं, उन तक मेरा यह वीडियो पहुंचे, और जो हमारे नए CSVTU के साथ जुड़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वे भी CSVTU का नया लोकेशन देख पाएं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारा नया यूनिवर्सिटी अंदर से और बाहर से कैसे दिखता है, साथ ही भविष्य में हमारा यूनिवर्सिटी कैसे दिखने वाला है उसका लेआउट मैप भी मैं दिखाने वाला हूं। सभी को मेरा नमस्कार और मोर छत्तीसगढ़ के सब संगवारी मल्ला, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टूर के शौकीन, और मेरा नाम है नवीन। दोस्तों, CSVTU के सारे स्टूडेंट तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। A few moments later. तो गाइस, अब मैं हो चुका हूँ रेडी, और मैं और मेरा फ्रेंड विनोद निकलने वाले हैं यूनिवर्सिटी के लिए। और विनोद मेरा फ्रेंड है जो कि मेरे होम टाउन रायगढ़ से आया हुआ है, तो मैं उसको फट से पिकअप करूंगा और वहां से निकलूंगा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के लिए। रूट रहेगा अपना नेहरू नगर ओवर ब्रिज होते हुए सेक्टर एरिया, और सेक्टर एरिया से अपन सीधे जाएंगे उतई रोड, उतई के पास से अपन कट जाएंगे मैत्री गार्डन रोड में, और मैत्री गार्डन मरोदा होते हुए सीधे अपन पाटन रोड निकल जाएंगे, और पाटन रोड में ही स्थित है CSVTU। बैठा है विनोद का भांजा और खड़ा है खुद विनोद, और लाखे लाज के ठीक सामने है आपके फुल टाइम पास का इंतजाम। तो यह है गुरु नानक गुरुद्वारा, नानक सर चौक, पाटन 32 किलोमीटर। तो पाटन हो, पाटन की तरफ जाना है ना अपने को। तो जो लोग भैया भिलाई बहुत दिन से नहीं आए हैं, वो ये ब्रिज नहीं देखे होंगे। तो ये नया ब्रिज जोड़ता है नेहरू नगर को सेक्टर एरिया से। तो देख लीजिए ढिल्लन होटल कुछ इस प्रकार ऊपर से दिखता है। इस्पात नगरी आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो पहले जो अपना CSVTU यूनिवर्सिटी था वो यहीं पे था, यहाँ से अपने को राइड जाना पड़ता था। तो ये है राजीव गांधी चौक, इधर लेफ्ट जाता है रेल चौक और राइट जाता है रिसाली की तरफ। अपने को सीधा जाना है तो रिसाली वाले चौक से सीधा आके जहां आपको बोर्ड दिखेगा राइट साइड में मैत्री गार्डन, और तो इस तरीके से आपको मैत्री गार्डन का बोर्ड दिख जाएगा। सीधा जाएंगे तो कुर्सी पार, और इस तरफ जिधर अपने को जाना ये है पाटन रोड। एंट्री कर चुके हैं मरोदा क्षेत्र में, अपने को जाना है सीधा, और ये लेफ्ट तरफ रोड जाता है मैत्री गार्डन की तरफ। तो मैत्री गार्डन किसी और दिन दिखाएंगे आपको। तो अपने ब्रिज के ऊपर से ज़बरदस्त व्यू है, वो दिख रहा है अपने को BSP। बाप रे, वहाँ से ले के वहाँ तक है BSP, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा पूरा दूर तक। यहाँ ट्रेनें लगी हुई है, और क्षमा करेगा भोले बाबा, क्षमा करेगा, साथा रखेगा तेरा दोस्त। दूध काबे दूधा चोबे दू पैसा धनीदार रखे दोस्त। चला दोस्त, बस्तर रखू दोस्त, मैं कई ठन सांप रखे हूँ दोस्त, बड़ा बड़े ओझा हूँ दोस्त, बहुत सांप है। मैं बस्तर के कहाँ के है? मैं बस्तर के योनी खामी दोस्त, बस देवा मर रखे दोस्त। ओ कितना जबरदस्त व्यू है। तो अपन पहुंच चुके हैं। तो भैया यहाँ से मुड़ना है, अपने को टपरी बना है यहाँ, सीधा जाएगा पाटन। दूर CSVTU, और भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है अगल बगल, देख ना यहाँ से लेके कितना बड़ा एरिया है। अपना मेन गेट यहाँ से जाएंगे अंदर।
CSU2 का पार्किंग है। और इस तरफ बन रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। CSU2 का इनॉग्रेशन 30 अप्रैल 2005 को फॉर्मल ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया। वर्तमान में यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं 44 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 1 आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट, 40 पॉलिटेक्निक्स और 11 फार्मेसी के कॉलेजेस। CSU2 को 30 दिसंबर 2011 को इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। यूनिवर्सिटी का नया और परमानेंट कैंपस 250 एकड़ के एरिया में फैला है, पर अभी केवल एडमिन ब्लॉक ही पूरी तरह से संचालित है। तो आइए जानते हैं एडमिन ब्लॉक को और साथ ही देखते हैं भविष्य के यूनिवर्सिटी का 3D कंस्ट्रक्शन मॉडल। एडमिन ब्लॉक के एंट्रेंस के राइट साइड में है डिस्पैच सेक्शन और लेफ्ट साइड में है कैश काउंटर और एंट्रेंस के ठीक सामने स्थित है रिसेप्शन एरिया। प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन के कारण मैं आपको बाकी का एरिया शो नहीं कर सकता, तो अब चलते हैं सीधे यूनिवर्सिटी के 3D कंस्ट्रक्शन मॉडल की तरफ। तो यहाँ पाटन रोड से एंट्री हुई थी हमारी और ये सामने ही है एडमिन ब्लॉक, जिसके लेफ्ट में है पार्किंग एरिया और सामने है एकेडमिक ब्लॉक्स और लाइब्रेरी। राइट कॉर्नर में है हॉस्टल्स और साथ में है अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए रेसिडेंस, जिनमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, चांसलर, डीन से लेकर वार्डन और स्टाफ के लिए भी रेसिडेंस शामिल हैं। साथ ही यहाँ बैंक और प्लेग्राउंड जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। अब देखते हैं एडमिन ब्लॉक के सामने की ओर निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लॉक्स को। दोस्तों बस इतनी ही थी अभी तक के निर्मित CSU2 की जानकारी और जाते जाते आपको ले चलते हैं एक बहुत ही सुंदर लोकेशन में, जो CSU2 के पाटन रोड वाले एंट्रेंस के फ्रंट में स्थित है। दोस्तों आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे कर्म करते रहिए, चाहे जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आए हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि यही है जिंदगी। बाय बाय। कितना भी दे सकते हैं ना अपने मन से। देखो भाई भोले बाबा की दोस्त फोटो खींचा दोस्त, भगवान चम से जुआ लगता है, चम से जुआ लगता है, चम से जुआ लगता है।